उत्तराखंड की बनबसा नेपाल सीमा पर पुलिस के लाख दावों के बावजूद बाइक से सवारी ढोने का खेल नहीं रुक रहा है। बनबसा में बाइक पर सवारी बैठाते हैं, बाइक सवार कभी भी देखे जा सकते हैं। ये लोगों को बाइक के सहारे नेपाल ले जाते हैं और उधर से भी बाइक पर सवारी लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाइक पर सवारी ढोने का कारोबार, बनबसा नेपाल बॉर्डर पर चल रहा अवैध कारोबार। R9 टीवी के कैमरे में कैद हुए सवारी ढोते बाइक सवार, पैसा देकर कोई भी घूम सकता है भारतीय सीमा में। समय रहते नहीं हुई कार्रवाई तो हो सकती है बड़ी घटना। चंपावत जिले की बनबसा इंडो नेपाल सीमा पर परिवहन नियमों को ताक पर रख बाइक से सवारी ढोने का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। तमाम शिकायतों के बाद बनबसा पुलिस बाइक पर सवारी ढोने वालों पर अंकुश लगाने का लाख दावा करती है, लेकिन R9 टीवी के कैमरे ने बनबसा में बाइक पर सवारी भरते ऐसे बाइक सवारों को कैद किया है जो कि बनबसा से नेपाल गड्ढा चौकी तक 200 से 250 रुपए लेकर सवारी ढोने का अवैध कारोबार करते हैं। परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाते इन बाइक सवारों को नेपाल सीमा पर स्थित बैराज पुलिस चौकी पर भी रोकने की जहमत नहीं उठाई जाती। वहीं चंपावत जिले के पुलिस कप्तान बाइक पर सवारी ढोने का मामला संज्ञान में होने की बात कह इस तरह के अवैध कारोबार करने वालों को थाने में बुला नोटिस जारी करने की बात कर रही है। देखिए, ये सूचना है कि बहुत से नेपाल के लोग जो है बाइक पे 10 रुपए की सवारी लेकर जो है नेपाल के इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने नेपाल के दोनों जिलों के SP से बात की और उनको भी ये बताया है कि इस प्रकार की समस्या यहाँ पर, तो उनसे भी हम जो है बातचीत कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से भी कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में पहले भी जब बाइक पर सवारी ढोने का मामला DIG कुमाऊं के सामने उठाया गया तो वो इस मामले के उनके संज्ञान में न होने की बात कह इस तरह के अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। ये अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया, पहले बार आपने बताया, मैं इसको दिखाऊंगा और अनसोशल एलिमेंट या इस तरह के कोई लोग आ गए तो उसको चेक किया जाएगा। नेपाल सीमा पर बाइक पर सवारी ढोने का मामला बार बार उठने के अलावा बनबसा बैराज पुलिस चौकी अधिकारियों के आदेश के बावजूद आखिर किस लालच के चलते इस तरह के बाइक सवारों पर अंकुश नहीं लग रही है। बनबसा के नेपाल सीमा में लगे होने के चलते कभी भी इस तरह बाइक पर अवैध सवारी ढोने वाले लोग चंद पैसों के खातिर देश विरोधी तथ्यों को कभी भी नेपाल से भारत पहुंचा भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दीपक फुलेरा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।